अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पूना का दालचा। तो दालचे के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है हम बताएंगे। देखिए, हमारे पास खट्टे चूके की भाजी है, ये एक गड्ढी है। हमने इसे बारीक बारीक कट किया और अच्छे से वॉश कर कर रख दिया। और ये हमारे पास मेथी की भाजी है, इसके लिए इसे पत्ते पत्ते हमने तोड़ लिया है, वॉश कर कर रख दिया। और ये हमारे पास चना दाल है, हमने इसे गला कर मिक्सर में पीस लिया है। और ये हमारे पास इमली है, हमने इमली का ऐसा पल्प बना कर रख दिया है। और ये 2 टीस्पून धनिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून जीरा है। और ये अपने हिसाब से हमने अदरक लहसुन लिए हैं। और ये 4 टमाटे हैं छोटे साइज़ के। और ये कोथमीर है, ये पुदीना, हरी मिर्ची, और ये तेज़पत्ता, ये 4 तेज़पत्ते हैं। और ये खलनी है, और ये दूधिया है, ये 250 ग्राम दूधिया है। और अब हम बाकी के मसाले बाद में बताएंगे। देखिए, हमारे पास ये गोश है, ये हमारा 1.5 पाव गोश है। अब हम इसमें पहले तो हम इसमें ये जो कटे हुए टमाटे थे वो ले लेंगे, इसमें डाल देंगे। इसमें गोश में टमाटे डालें तो अच्छे से गल जाते हैं गोश के साथ। और ये हम गोश इसमें डाल देंगे। देखिए, हमने टमाटे और इसमें गोश डाल दिए हैं। अब इसमें हम 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे और अपने हिसाब से नमक डालेंगे। देखिए, हमारे पास अदरक लहसुन था, इसमें का हम आधा अदरक लहसुन डालेंगे, 2 टीस्पून, और बाकी का हम बाद में। देखिए, हमने सारे मसाले डाल दिए हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर कर हम गलने के लिए रख देंगे। देखिए, हमने इसे अच्छे से गोश्त को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम गैस की फ्लेम चालू करेंगे और इसे गलने तक के ढक्कन लगा कर रख देंगे। देखिए, हमारा गोश्त गल चुका है। अब हम गैस की फ्लेम गोश्त को चेक करेंगे। देखिए, हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है और टमाटे भी अच्छे इसमें मिक्स हो चुके हैं, टमाटे भी अच्छे गल गए हैं। देखिए, हमने एक भगोना लिया है, इसमें अपने हिसाब से तेल डालें और ये गैस की फ्लेम को चालू करेंगे। और इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून, और इसमें प्याज भी डालेंगे। देखिए, हमने ज़ीरा इसमें डाले थे, ये हल्का सा लाल हो चुका है। अब हम एक प्याज कट कर कर डालेंगे और हम इसी के साथ ये दूधिया भी डाल देंगे। देखिए, हमारी प्याज और दूधिया भी गल रहा है प्याज के साथ, और प्याज भी लाल हो चुकी है। अब हम इसमें तेज़पत्ता और कलमी डालेंगे और ये इसे भी अच्छा भूनेंगे। देखिए, हमारी प्याज भी लाल हो चुकी है और हल्का सा दूधिया भी गल चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, ये हम 2 टीस्पून डालेंगे। देखिए, हमने इसमें अदरक लहसुन डालकर हल्का सा भून लिया है। अब हम इसमें धनिया डालेंगे, ये हमारा 2 टीस्पून धनिया है, और इसे भी हम हल्का भूनेंगे। और अब हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे, हम ये 1 टीस्पून लाल मिर्च डालेंगे, और ये आधा, इसे भी अच्छा सा भूनेंगे। देखिए, हमारा मसाला भून चुका है। अब हम इसमें भाजी डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर कर बाद में मेथी की भाजी भी इसमें डाल देंगे। देखिए, हमने इसमें पहले खट्टे चूके की भाजी डाले हैं, अब हम इसमें मेथी की भाजी डालेंगे। देखिए, हमने ये सारे मसाले और भाजी डाल के अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें गोश्त डालेंगे, पूरी गोश्त डाल के अच्छे से भूनेंगे। अब इसे हम 2 मिनट तक के ऐसे ही चलाते रहेंगे। देखिए, हमने इसे ऐसे ही चलाते रहे, यहाँ हमारे 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम इमली का पल्प डालेंगे।
इसे भी अच्छे से भूनेंगे। देखिए हमारे सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं, अब हम इसमें दाल डाल देंगे। देखिए हमने इसमें दाल डाल दी है, अब हम इसमें हरी मिर्ची, कोथमीर, पुदीना, गरम मसाला ये सब भी डाल देंगे। देखिए हमने इसमें दाल डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब हम इसमें अपने हिसाब से पानी डालेंगे। मैं इसमें एक गिलास पानी डालूंगी। देखिए इसमें हम हरी मिर्ची, कोथमीर, पुदीना डालेंगे, ये सब हमने मिक्स कर दिए है इस तरह। देखिए हमारा दालचा उठ रहा है, अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। देखिए हमारा दालचा उठ रहा है, अब हम इसमें नमक डालेंगे। आप अपने हिसाब से नमक डालें और इसे अच्छे से उठने दें और फिर गैस की फ्लेम को बंद करके इसे हम सर्व करेंगे। देखिए हमारा दालचा अच्छे से उठ चुका है, अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे। देखिए हमारा दालचा तैयार हो चुका है, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि हमारा दालचा कैसे बना और आप भी बनाएं और खाएं। देखिए हमारे पूना का दालचा कैसा बनाएं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ दुआओं में, याद रखना। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक अच्छी रेसिपी के साथ।